Today, we can discuss about different types of rocks that is visible in Earth crust. So, rocks and its genesis is the part that is seen in our syllabus. So, iska matlab hai rock, what is rock, how it forms, and its genesis means the origin of these rocks. Whatever the rocks that is available on the Earth crust, how they are formed. So today we are going to discuss both of this aspect. So what is a rock actually? A rock is actually a naturally occurring solid cohesive aggregate of one or more minerals or mineral materials. So wo mineral ka ek group hoga. Nahi, ye to mineral materials ka ek group hoga. Wo consolidate hokar naturally exist होगा earth surface में और earth crust में, वही उसको तो usually we will say rock. But in general, when we say a rock is a material, any material on the crust or lithosphere, जो lithosphere और crustal part में जो material है, naturally occurring material है, that is rock. एनी मेटीरियल, एनी सरफेस, अभी क्रस्ट में जो भी आप देख रहे हैं, इट्स एयरली टाइम वो तो एक रॉक होगा, वो तो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होकर अपना डिफरेंट फॉर्मेट बन के अर्थ के क्रस्ट में है. सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग ऑल द मेटीरियल्स ऑफ द क्रस्ट और द लिथोस्फियर एरिया, वी विल से इट एज रॉक. बट वेन वी से अबाउट द डेफिनेशन, ए रॉक इज ए, this one you want to follow, a rock is a natural occurring solid cohesive, solid hai, cohesive hai, aggregate hai, so ye sab hai, and it consists of one mineral or multiple mineral or mineral materials hai. So from the what lithosphere I said, it's a part of rock, is the lithosphere is made of rock. So the term lithosphere itself come from the term rock. So lithos, iska meaning hai rock. So rock and its rock sphere actually. Lithosphere means the rock sphere. The sphere which is made of rock is called the lithosphere. So that much of broad sense we want to give to the concept of rock. The smallest component of Earth is actually, I will say how it's the earth rock is forming. So smallest form hai element, like oxygen is an element, oxygen, nitrogen, hydrogen, ye sab kya hai, ye sab elements hai. So that is the smallest component on the earth surface mein. So when these elements organized, they form components or the minerals, tab ye kya hoga, ये मिनरल्स बन जाएगा. मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ होने से दैट विल बी कन्वर्ट टू कॉम्पोनेंट्स एंड इट इज आल्सो नेम्ड एज दिस मिनरल्स. ये जो मिनरल्स है, व्हेन दे आर ऑर्गेनाइज्ड, दिस मिनरल्स जब ऑर्गेनाइज होगा, दे विल बी कन्वर्टेड टू रॉक. सो द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए रॉक इज, द बेसिक मेटीरियल इन ए रॉक इज द एलिमेंट, लाइक जो भी हो, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सो सिलिकन होगा, जो भी हो वो मेटीरियल होगा, एलिमेंट होगा. दैट इज व्हेन आफ्टर टाइम इट इज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म कॉम्पाउंड्स, लाइक हाइड्रोजन, अभी वाटर बोलने से कॉमन, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन जाने से दैट विल बी कन्वर्ट टू वाटर H2O, ऐसे कॉम्पाउंड बन जाएगा साथ साथ में. तो ये जो अभी क्वार्ट्स है, फ्लेक्सपार है, ये सब चीज है, दैट इज एक्चुअली मिनरल्स है. तो ये मिनरल लेटर ऑन दे विल ऑर्गेनाइज, दे विल कंबाइन टुगेदर एंड फाइनली फॉर्म्स द रॉक. दैट इज हाउ द रॉक इज फॉर्म्ड. तो इसमें व्हेन एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, रॉक का जो टाइप्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेनली इन अर्थ सर्फस वी कैन फाइंड थ्री काइंड ऑफ रॉक्स. One is igneous rock, another one is sedimentary rocks, and third one is metamorphic rock.
इग्नियस रॉक ऐसा है दैट इज द प्राइमरी रॉक, जो भी रॉक है, जो भी मेटीरियल्स ऑन द अर्थ सर्फस है और द अर्थ क्रस्ट है, दैट इज इग्नियस रॉक. वो तो प्राइमरी और फर्स्ट स्टेज में इग्नियस रॉक था. तो ये इग्नियस रॉक कैसे बनेगा? तो ऐसा है, क्रस्टल एरिया हमारे लिए क्रस्टल एरिया है, तो क्रस्टल एरिया के नीचे मैंटिल है, मैंटिल में क्या होगा? मैग्मा होगा. मैग्मा क्या है? ईयरलियर जो रॉक है वो सबसाइड करके जो लैंड आ रहा है वो, इसका तो बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ टेम्परेचर, ये इसमें ये मैग्मा, जो मैग्मा चेम्बर है यहाँ डायल्यूट होगा, इसमें ऐड होगा. सो दैट इज ऑल्सो, दिस मैग्मा इज ऑल्सो ए रॉक. वो फॉर्मर एक तरीके का रॉक था, वो सब्सिडेंस के वजह से मैग्मा चेम्बर में आ गया एंड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वो मॉल्टन स्टेज में आ गया. तो बाद में ऊपर कई जगह पे अभी क्रैक फ्रैक्चर ये सब होने से वो उधर से ऊपर आ जाएगा, अगेन दिस कम्स. सो मैग्मा इट्सेल्फ इज अ रॉक एक्चुअली, बट इन ए मॉल्टन स्टेज, रॉक इन ए मॉल्टन स्टेज बिकॉज देयर द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज वेरी हाई. So it can exist as a solid form. It cannot be exist in the form of in solid form. वो ऐसा नहीं हो पाएगा. So that is why it is seeing in molten stage में है, semi plastic stage में, not liquid, not solid. ऐसा stage में वो area में होगा. तो इधर से वो rock material that will come out. तो fracture होगा, जैसे हम लोग बोल दिया ना वो volcano, जैसे ऐसे कुछ crack हो तो उधर से ऊपर आ जाएगा. नहीं ये तो कुछ डाइवर्जन मूवमेंट होने से वो गैप होगा, फॉल्टिंग प्लेन हो जाएगा तो उधर से ऊपर आ जाएगा. फोल्डिंग होने से समय कंप्रेशन होगा तो यहाँ कुछ फिशेस आ जाएगा, तो उस फिशेस से ये ऊपर आ जाएगा. तो ऐसा डिफरेंट तरीका है ये जो नीचे वाला मैग्मा को ऊपर आने के लिए. सो एट द टाइम द मॉल्टन मैग्मा विल कम थ्रू दीज गैप्स एंड फॉर्म्स वो तो क्रिस्टलाइज होगा, सोलिफाई होगा, देन दैट विल बी इग्नियस रॉक, दैट विल बी इग्नियस रॉक. तो आफ्टर सम टाइम ड्यू टू सम केमिकल एक्शंस, और ये इसको तो वदर करेगा, ये इग्नियस रॉक को वदर करेगा एंड दैट विल बी कैरिड. वो इग्नियस रॉक एक जगह पे वो तो उस एक स्लॉक में है, तो इसको तो ब्रेक करके ऐसा ऐसा छोटा छोटा पीसेस बन जाएगा, जस्ट लाइक यस्टरडे आई सेड हाउ इट इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम रॉक मास टू पबल्स टू पबल्स टू ग्रेवल्स टू सैंड्स एंड सोइल्स, ऐसा सोइल्स एंड क्ले ऐसा बन जाएगा. तो ये क्या होगा, नीचे एक जगह पर डिपॉजिट करेगा नीचे का, तो ए के ऊपर एक डिपॉजिट होगा, 1 2 3 ऐसा ऐसा डिफरेंट लेयर में ये तो डिपॉजिट होगा. एंड जो ऊपर वाला ये जो जगह है, ये जो मटेरियल है इसके प्रेशर से जो नीचे वाला मटेरियल सोलिफाई होगा, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स. देन देयर विल बी, सो सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज प्रेशर. वो डिपॉजिट करेगा वो मटेरियल के ऊपर जब प्रेशर आएगा, देन दैट विल बी सोलिफाई एंड कन्वर्ट टू बिकम सेडिमेंटरी रॉक बन जाएगा. So that is sedimentary rock, that is secondary rock. Primary rock is igneous rock and that has been converting to sedimentary rock and that is secondary rock. These two types of rocks and when it is go for metamorphism, some kind of chemical change will be in it. Wo chemical composition mein igneous rock and sedimentary rock ka chemical composition, which was the first composition tha, वो चेंज करके दूसरा कुछ कॉम्पोजिशन बन जाने से यूजुअली वी विल कॉल इट एज मेटामॉर्फिक रॉक. सो दिस इज आल्सो सेकेंडरी और टेरिशरी टाइप का रॉक है. तो फर्स्ट वन इग्नियस रॉक है, वो मैग्मा इटसेल्फ कूल हो जाएगा, क्रिस्टल हो जाएगा और सोलिफाई हो जाएगा एंड इट विल बिकम इग्नियस रॉक. एंड सेकंड, वो इग्नियस रॉक को वदर्ड करके मास मूवमेंट से नहीं है तो इरोशन और डिपोजिशन ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन के वजह से एक जगह पे डिपॉजिट करेगा, उसके ऊपर फिर दूसरा डिपोजिशन होगा. ऐसा मल्टीपल लेयर डिपोजिशन होने के बाद वो ऊपर वाला नीचे वाला जो एरिया को प्रेशर में लेके आएगा,
तो वो सोलिफाई होगा वो नीचे वाला एरिया एंड दैट विल बिकम सोलिफाइड फॉर सेडिमेंटरी रॉक एंड व्हेन द इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंटरी रॉक गेट चेंज इन देयर कॉम्पोजिशन देन केमिकल कॉम्पोजिशन में वो चेंज होगा मेटामॉर्फोस होगा देन दैट इज बीन कन्वर्टेड टू मेटामॉर्फिक रॉक सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टाइप एंड द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ rock classification, igneous rock, sedimentary rock, and metamorphic rock. Today, we are going to discuss about various type of igneous rock. Igneous rock has been classified into different types based on its different characteristics. So today we will discuss about the types of igneous rock. So what is igneous rock? Igneous rocks are formed from solidification and cooling of magma. ये magma क्या है? वो hot molten material that is coming from the interior of the earth. Hot है, molten material है, वो interior of the earth से, वो mantle से आ रहा है. When that hot molten material, magma, ये नाम याद रखना है magma, gets solidified, then that will become igneous rock. So igneous ka matlab hai fire. So made of fire. There is no direct relationship between fire. Wo temperature utna zyada temperature se ye rock bana rahe. Wo niche wala magma ka utna temperature hai, utna zyada temperature hai, and wo aap dekhne se bhi ek fireball jaisa lagega. Jab when it's come outside, like if you look the volcano. You can see hot molten material just like a fireball. Aisa dekhne se we will call it as fire. Igneous means fire. So and it is also called it as primary rock, parent rock, or the volcanic rock. The other name synonyms of igneous rocks is primary rock hai because that is the first rock. फॉर्मेशन पहले यही होगा प्राइमरी एंड व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेंट रॉक अभी जो सेडिमेंटरी रॉक हो नहीं ये तो मेटामॉर्फिक रॉक हो दैट इज मेड आउट ऑफ दिस इग्नियस रॉक दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पैरेंट रॉक क्योंकि अभी वेदरिंग रॉक का डिपोजिशन करके सेडिमेंटरी जो रॉक जब बनाता है तो उसका पैरेंट मेटीरियल क्या है वो इग्नियस रॉक है जैसे सेडिमेंटरी रॉक हो नहीं ये तो इग्नियस रॉक हो मेटामॉर्फोसिस से चेंज होने से दैट विल बी मेटामॉर्फोसिस रॉक हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा दैट इज आल्सो द पैरेंट विल व्हेन वी गो टू द पैरेंटशिप द पैरेंट विल बिकम द इग्नियस रॉक दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द पैरेंट रॉक एंड मोस्ट ऑफ द इग्नियस रॉक इज रिलेटेड टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज वो वॉल्केनो जब एक्सप्लोर होगा नहीं तो जो फिशर से बाहर आएगा एंड दैट विल गेट सोलिफाई एंड बिकम इग्नियस रॉक सो इट हैज अ सिनोनिम कॉल्ड वोल्केनिक रॉक ये भी इसको तो बोलेगा सो दीज आर द इम्पोर्टेंट नेम्स यू वांट टू रिमेंबर व्हाट इज एक्सप्लेन अबाउट प्राइमरी रॉक बोलने से यू हैव टू राइट अबाउट इग्नियस रॉक एक्सप्लेन अबाउट द पैरेंट रॉक वो भी बोलने से भी इग्नियस रॉक के बारे में लिखना है एंड अबाउट वोल्केनिक रॉक बोलने से भी You can directly go to the igneous rock. So these are the some of the important igneous rock. Kimberlite, granite, basalt, granite, jo bhi ho. These are some of the igneous rocks that is visible on the earth crust. So there are certain particular characteristics for the igneous rocks. Let's see each of this in detail. So first one is The igneous rock is roughly hard rock है क्योंकि जब magma बाहर आएगा ना ये तो वो अंदर से भी solidify होगा cool होगा तो it will get solidify solid हो जाएगा solid होने से there will be good combination वो composition वो rock के अंदर का जो composition है वो strong हो जाएगा and it will become hard rock Exemptions are there. अभी basalt बोलने से उसका पानी से ज्यादा इंटरेक्ट होने से वो जल्दी weather हो जाएगा सो बट स्टिल
In general, if we say igneous rock is hard rock, that is its first characteristics. Second one, usually granular and crystalline. Gran means grain. Is ke andar bahut kuch grains hai. Abhi aap ye dekhne se, isme dekhne se, you can see the grain. Ye grain hai. So aisa bahut kuch grains dekh sakte hai. Isme grain aur crystalline bolega. So crystals hai na, wo crystalline bhi bolega. So grains size means ऐसा ऐसा पीसेस नहीं, ये तो छोटा छोटा ये है ना, ग्रेन्स होगा, फाइन ग्रेन्स होगा, कोर्स ग्रेन होगा, ये कोर्स ग्रेन होने से वी विल से इट एज क्रिस्टलाइन आल्सो. सो इट हैज कैरेक्टर ऑफ ग्रैनुलर एंड क्रिस्टलाइन, बट हियर आल्सो देयर इज सम एक्सेम्पशन. अभी वो अंदर से कोल्ड हो जाएगा तो टेम्परेचर धीरे धीरे कोल्ड होगा, तो एट द टाइम देयर विल बी हाई ग्रेन साइज और क्रिस्टल तो बनाएगा. लेकिन when the magma is coming out to the surface, there we will say it as lava. So lava hone se nahi to kuch pani aur aquatic material se wo jaldi wo mix hone se wo thanda jaldi ye rock to thanda ho jayega. At that time the crystalline formation is not possible. Granular formation means any size, so it is possible. Crystalline formation is not possible because of very high or quick cooling of the rock, magma quick cooling ho jayega, to iska kya hoga, wo crystal banane ke liye uska to time nahi banega. So still in general when we say it has granular and crystalline characteristics, and there is no strata means अभी हम बोल दिया है व्हेन द सेडिमेंटरी रॉक्स आर डिपॉजिटिंग, तो पहले क्या होगा, एक बेस है तो यहाँ पहले एक तो स्ट्राटा यहाँ डिपॉजिट फर्स्ट लेयर में बन जाएगा. फिर क्या होगा, दूसरा डिपोजिशन और कुछ टाइम के बाद होगा तो इधर सेकंड लेयर में बन जाएगा, यहाँ ऐसा एक तो लेयर यहाँ बन जाएगा, फिर तीसरा लेयर ये तो इधर बन जाएगा. तो ऐसा ये एक स्ट्राटा है, एक दूसरा स्ट्राटा है, ये तो तीसरा स्ट्राटा है. स्ट्राटा मीन्स रॉक हैविंग, वो एरिया ऑफ रॉक हैविंग पर्टिकुलर कैरेक्टर, अपना सा एक तो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होगा ईच ईच लेयर में, तो वही स्ट्राटा असली में. तो ये तो बिकॉज ये तो इग्नियस रॉक का ऐसा जरूरी नहीं है, वो जब मैग्मा कूल होगा दैट विल बिकम, वो जितना भी मैग्मा है वो एक साथ कूल हो जाएगा. And there is no scope for stratification. Only sedimentary rocks, if you look, it has strata. Sedimentary and metamorphic rock, which is made from the sedimentary rock, has strata. It's a strata, one strata, second strata, and third strata. It's a strata. कभी भी igneous rock को नहीं ही होगा. Then most of the rocks are impermeable. Impermeable means it will not allow water. As the grains are too much, वो तो grain ऐसा, grains तो ऐसा है, there is a good sticky nature for these grains, वो तो sticky है, वो नहीं तो असली से bond करके रखा है वो grains तो. तो इसके बीच में gap नहीं होगा. Either there will, if there is crack, there is it is okay, but और वो rock weather, ज़्यादा weathered होने से भी okay, but in formation the rock itself is impermeable. वो पानी को अंदर घुसने कभी भी नहीं देगा. नहीं ये तो उसके वो जब इसका तो ओरिजिन होता है उसी टाइम कुछ क्रैक मैकेनिकल फोर्स से कुछ क्रैक होने से उसी टाइम अंदर पानी घुसेगा. नहीं ये तो इट इज इम्परमिएबल है, इट इज हार्ड है, क्रिस्टलाइन है, नो स्ट्राटा है एंड इम्परमिएबल है एंड डू नॉट कंटेन फॉसिल्स. Fossils means dead remainings of the animals and trees, animals and plants. Plants or animals का dead remaining इसमें कभी भी नहीं होगा. अभी ऐसा है, एक तो ऐसा है वो तो ये rock आता है magma से, magma नीचे से ऐसा earth crust है तो नीचे से आ रहा है, तो इसके बीच में कुछ animals नहीं होगा, वो बाहर आकर ऐसा rock बन जाएगा direct. दूसरा है ये तो क्या है, this is actually फायर बॉल्स है, पूरा फायर है, उतना टेम्परेचर है. अभी इसके बीच में कोई लाइफ वाला चीज प्लांट हो, एनिमल्स हो, जो भी हो इसमें फंसेगा तो उसका कुछ भी बाकी नहीं होगा, पूरा बोन्स, स्किन,
मसल्स ये सब बर्न करके जाएगा. तो देर इज नो स्कोप फॉर फॉसिल्स. इसके अंदर कभी भी यू कैन फाइंड फॉसिल्स. वो होगा यू कैन फाइंड दैट इन ये इसके बीच सेडिमेंटरी रॉक में यू कैन सी फॉसिल्स, बट इट इज नॉट विजिबल इन इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक में यू कैन फाइंड फॉसिल्स. द अदर वन इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स इंक्रीजेस अपवर्ड. जॉइंट्स मीन्स जो क्रैक्स है. अभी एक पत्थर है, ऐसे एक पत्थर है, वो पत्थर के अंदर बहुत कुछ छोटा छोटा क्रैक्स होगा. वो क्रैक्स और ये जो जॉइंट्स है वो इंक्रीज, वो नीचे से ऊपर जाने से फ्रॉम बॉटम टू टॉप देयर विल बी अ सर्टेन इंक्रीज. वो क्रैक का इंक्रीज हो जाएगा. इट्स अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है. ऊपर तो क्रैक ज्यादा होगा, नहीं तो जॉइंट्स ज्यादा होगा, नीचे जॉइंट्स कम होगा. देन एसोसिएटेड विथ वॉल्केनिक एक्टिविटीज. यस, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक फोर्स कभी भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज से जुड़े हुए नहीं है. लेकिन ऑन द अदर हैंड इग्नियस रॉक, वी आई टोल्ड यू देयर इज अनदर नेम दैट इज वॉल्केनिक रॉक. इसका नाम से भी वॉल्केनिक रॉक है, एक दूसरा सिनोनिम इसके लिए है. Because it is associated with this volcanic activity. जब volcanic eruption होगा उसी time ये जो magma बाहर आएगा वो solidify होकर igneous rock बनता है. So that is why it is really closely associated with the volcanic activity. So these are the basic characteristics. अभी ये जो picture if you look you can see the grain size. अभी ये तो gravel है, gravel में you can see the grain size. यहाँ इतना बड़ा बड़ा क्रिस्टल्स है इसके अंदर. दूसरा सैंड है, तो यू कैन सी कुछ जगह पे छोटा छोटा क्रिस्टल्स इसमें है. एंड इफ यू लुक मड और सिल्ट होगा, नहीं ये तो क्ले होगा, सिल्ट है तो थोड़ा इतना इतना बड़ा बड़ा क्रिस्टल्स होगा, लेकिन वो भी बहुत फाइन होगा. क्ले में वो उससे कम फाइन ग्रेन्स होगा, तो देखने को भी नहीं मिलेगा उतना उतना स्मूथ, इतना सॉफ्ट सैंड होगा क्ले में. उसके ऊपर सिल्ट है, सिल्ट के बाद अभी सैंड देखने से इसमें भी थोड़ा थोड़ा, अभी जो सोचो ग्रावल में इतना बड़ा है क्रिस्टल्स, तो सैंड में होगा इतना है, सिल्ट में होगा इतना सा, एंड व्हेन इट्स कम टू क्ले इतना सा बहुत छोटा. सो दिस इज हाउ द क्रिस्टल्स फॉर्म्स. इतना बड़ा डिफरेंस है. दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. आई हैव पुट दिस पिक्चर. लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक. वन, इट इज हार्ड है रॉक. यूजुअली जनरली इट इज हार्ड, बट व्हेन वी कॉमनली से वी कैन सी इट इज हार्ड, बट देर आर एक्सेप्शंस. देन इट इज ग्रैनुलर, यूजुअली ग्रैनुलर एंड क्रिस्टलाइन है ये रॉक तो. एंड देर इज नो स्ट्राटा फॉर इग्नियस रॉक. देन इट इज इम्परमेबल and do not contain fossils, and number of joints means joints, cracks, fracture, ye sab same hi hai, wo increase hoga from bottom to top. Then it is associated with volcanic activities. That is why it has given another name, that is volcanic rock. So these are the basic characteristic of igneous rock. If you look here, rock strata, हम बोल दिया है, there will not be any stratification. So इधर देखो सर, if you look, you can see a particular common color, ये तो division इधर देख सकते हैं, अलग अलग color का, you can see the difference here. So, ये हो गया एक strata, ये हो गया दूसरा. यहाँ अभी देखने से यहाँ एक तो जो इन देख सकता है, so that is third layer. Then you can see multiple layer. यहाँ एक तो different color का you can distinguish it. So that is called rock strata. So rock strata will not be visible in igneous rock. Rock strata are horizontal layers of sedimentary rock. Sedimentary rock you only seen in sedimentary rock में you can see, which are usually visually distinguishable from adjacent layers due to their different composition. यही इम्पोर्टेंट है. बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट कॉम्पोजिशन दे कैन बी इजली डिस्टिंग्विश. वो तो डिस्टिंग्विश कर सकते. अभी इसमें देखने से भी यू कैन आइडेंटिफाई, एक दो तीन चार
पांच छह ऐसा बहुत कुछ लेयर्स यू कैन सी फ्रॉम इफ यू ईट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई एंड सेपरेशन मेड बाय विजिबल सरफेस नोन एज ईदर बेडिंग सरफेस और द बेड बेडिंग प्लेन. वो विजिबल ये जो डिफरेंस जहां पे आपको देख सकता है अभी ये एक रॉक स्ट्राटा है एक दूसरा एक रॉक स्ट्राटा है वो एंड आपको क्लियरली यू कैन विजिबल यू कैन सी इट. सो दैट जॉइंट्स वो पोर्शन वी विल यूजुअली से इट अस बेडिंग सरफेस और बेडिंग प्लेन ये भी हो सकता है. द सेपरेशन मेड बाय और सेपरेशन बिटवीन टू रॉक स्ट्राटा इज कॉल्ड द बेडिंग सरफेस ये याद रखना है. देन सेकेंड वन cracks or fracture present in the rock that is called joints. Joints bhi zyada niche se upar jane tak joints zyada hoga bol diya. So what is this? These are cracks. Abhi ye rock hai iske andar if you look bahut kuch cracks hai bahut cracks you can see see here lot of cracks hai. So ise bolta hai joints. These two are for just for information and sometimes there will be possibility of asking what is a rock strata and what is bedding surface or bedding plane. ये पूछ सकता है. Then we can go to the classification of igneous rocks. First classification is based on chemistry or mineralogical composition. इसमें कौन सी तरीके का minerals chemistry means itself it minerals same hai to mineral composition kya hai on the basis of mineral composition the igneous rock has been divided into three. One is felsic igneous rock, second one is mafic igneous rock and third one is ultramafic igneous rock. So felsic from this name itself there is fels so you can see the felspar there is presence of a mineral called felspar iske andar zyada hoga wo rock ke andar that is why it is known as felsic igneous rock. So minerals of light group usually it shows a light color so it comes under light group mein iske andar main cheez hoga quartzite and felspar and it has rich content of silica. Abhi almost 60 ke upar hoga iske andar silica ka content to zyada hoga felsic igneous rock mein. And it consists mainly the combination of felspar to bahut zyada hoga that's why it is known as felsic igneous rock. Abhi grabo ho ग्रेनाइट हो ये सब आएगा फेल्सिक इग्नियस रॉक के अंदर. देन माफिक इग्नियस रॉक सेकंड वन इज माफिक तो मैग्नीशियम एंड फेरस दैट इज माफिक MAFI तो मैग्नीशियम एंड फेरस इसके अंदर ज्यादा होगा. तो मिनरल्स ऑफ डार्क ग्रुप दिस कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स ऑफ डार्क ग्रुप है उसमें थोड़ा ज्यादा डार्कनेस डार्क कलर ज्यादा होगा. So it includes pyroxenes, amphibolites and olives. Pyroxenes zyada hoga, pyroxenes, amphibolite and olives isme zyada hoga. Then its next one is ultramafic igneous rock. Isme kya hai? Magnesium and ferrous content. MAFI means magnesium and ferrous. Ultramafic mein ye mafic इग्नियस रॉक से ज्यादा है अबंडेंस होगा इसका प्रेजेंस. तो मेनली द अबंडेंस ऑफ पायरोसिन्स एंड ओलिव सॉरी ओलिविन ये दोनों का प्रेजेंस बहुत ज्यादा होगा. देन वी विल से यूजुअली माफिक इग्नियस रॉक होगा व्हेन द कॉम्पोजिशन ऑफ मैग्नीशियम एंड फेरस इज वेरी मच और अबंडेंट वी विल से इट एज अल्ट्रा माफिक इग्नियस रॉक. So based on the mineralogy, we can divide the igneous rock into three. One is felsic igneous rock, another one is mafic igneous rock, and the third one is ultramafic igneous rock. Then same way, if we look at the
these are some of the example: Telsica, pumice, Yobiho, granite. Just for understanding, I am giving this picture. Granite, intrusive में, extrusive में, ये भी हम बोलते हैं क्या क्या है. अभी mafic में ये फिल, ये दोनों basalt है, gabbro है, obsidian है, ये सब you can see in mafic, mafic में and in felsic you can see. These are the pictures. So same way, it is based on the chemical composition, mineralogical, just like the mineralogical composition में felsic बोला है और mafic बोला है. Same way, based on the same composition के इसमें से ही, that means the amount of silica content. इसमें same ही है, silica content इसमें आएगा. Felsic में बहुत ज़्यादा है, mafic और ultra mafic में है कम होगा ये silica presence. तो same way here, based on the chemical composition and the amount of silica content, we can divide the igneous rock into four. One is acidic, so isme acidity, acid content zyada hoga. Then basic igneous rock, so alkaline content zyada hoga. So teesra hai intermediate, so acid aur basic ke beech mein jo aayega, that is intermediate aayega, and the ultra basic igneous rock. Ultra basic means बेसिक से ज्यादा उसमें सिलिका, बेसिक से बहुत कम सिलिका कंटेंट होने से वी विल से इट इज अल्ट्रा बेसिक. सो ऐसा तीन क्लासिफिकेशन है. तो असली में ये कहाँ आएगा, इधर आएगा, दोनों के बीच में, एसिड और बेसिक के नीचे ये इंटरमीडिएट आ जाएगा. लेट्स सी, इन एसिडिक इग्नियस रॉक सिलिका कंटेंट इज 65 to 85%, उतना ज्यादा है. जस्ट लाइक फेल्सिक इग्नियस रॉक के बारे में बोलते हैं ना, ऐसा है, सेम ही है एसिडिक इग्नियस रॉक. इसमें सिलिका कंटेंट 65 to 85% है, एंड इट यूजली कंसिस्ट ऑफ हार्ड एंड रेसिस्टेंट टू इरोशन. वो रॉक होगा, वो जो भी रॉक हो वो हार्ड होगा एंड रेसिस्टेंट टू इरोशन है. मेन एग्जाम्पल इज ग्रेनाइट. तो सिलिका कंटेंट 65 to 80% है, हार्ड एंड रेजिस्टेंट रॉक है ये तो. एंड सेकंड वन इज बेसिक इग्नियस रॉक, तो इसमें होगा सिलिका कंटेंट 45 to 60, तो इसमें से बहुत कम है. यहाँ 65 से ही शुरू होता है एंड 85 तक, तो यहाँ ऐसा उल्टा है, 45 to 60 है, तो मॉडरेट है इसका सिलिका कंटेंट का परसेंटेज. एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ फेरो मैग्नीशियम. तो फेल्सिक हम इधर बोल दिया है, माफिक इधर बोल दिया है, तो मैग्नीशियम एंड फेरस है. लाइक हियर इफ यू लुक हियर, मैग्नीशियम है एंड फेरस है. तो माफिक सेम है बेसिक इग्नियस रॉक. माफिक इज बेसिक इग्नियस रॉक है, अल्ट्रा माफिक इज अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक है, एंड एसिडिक मीन्स ये फेल्सिक, फर्स्ट वन ये फेल्सिक इग्नियस रॉक है. So same way, if you look, the concept is same, but you can see different name. One is acidic igneous rock, then basic igneous rock, and intermediate igneous rock. Isme hoga silica content less than the acidic igneous rock, but more than the igneous basic igneous rock. Basic igneous rock se zyada hoga, acidic igneous rock se kam hoga. Major examples hai dolerite and andesite. ये है. एंड बेसिक इग्नियस का एग्जाम्पल्स है बासाल्ट एंड गैब्रो. एंड फोर्थ वन अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक्स. तो इसमें सबसे कम सिलिका कंटेंट इसमें होगा, दैट इज 45%. पीरियोडोटाइट बोलेगा इसे, पीरियो ये है इसका एग्जाम्पल, पीरियोडोटाइट इसका एक एग्जाम्पल है. इसमें आप लुक बोले, यू कैन सी द, यहाँ क्या है, पायरोसिन्स एंड ओलिव्स है. सेम वे इसमें सेम होगा, अल्ट्रा बेसिक में भी इसमें इसका नाम है पेरिडोटाइट. दिस इज द रॉक, ग्रीन कलर में देख सकता है. दैट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन.
ऑलमोस्ट सेम है, केमिस्ट्री और मिनरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलने से भी सेम है कॉन्सेप्ट। सिलिका कंटेंट उधर भी ज्यादा होगा, एसिडिक में, सैलिसिलिक में ज्यादा होगा, दूसरे में फेल्सिक तो ज्यादा होगा। फिर आने से बेसिक इग्नियस रॉक है, दैट इज माफी इग्नियस रॉक, उसमें क्या होगा, उसमें सिलिका कंटेंट एवरेज होगा एंड यूजली इट कंटेंट फेरस एंड मैग्नीशियम, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड माफी, इसे बोलता है। देन कम्स बेस्ड ऑन टेक्सचर, टेक्सचर मीन्स अभी इसके अंदर कितना क्रिस्टल्स है, वो क्रिस्टल का साइज कितना है वो देख के वी कैन से। अभी एक पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, तो पत्थर के अंदर बहुत कुछ ऐसा ऐसा क्रिस्टल्स होगा, तो ये क्रिस्टल का साइज देख के वी कैन वी हैव डिवाइडेड द इग्नियस रॉक बेस्ड ऑन टेक्सचर। तो फर्स्ट इज फेनरिटिक, फेनरिटिक टेक्सचर, तो इसमें क्या है, कंप्रेस्ड ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स दैट आर क्लियरली विजिबल टू आइस, वो क्रिस्टल उसमें से देख सकते, इसलिए वी कैन सी द क्रिस्टल साइज, बड़ा क्रिस्टल है तो वी कैन ईजली आइडेंटिफाई द क्रिस्टल्स इन दैट। देन द साइज ऑफ द क्रिस्टल्स वेरी फ्रॉम 0.5 mm टू सेवरल सेंटीमीटर्स इन साइज। ये कैसे होगा, फॉर्मड बाई स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा डीप अंडरग्राउंड, डीप अंडरग्राउंड में जो मैग्मा का फॉर्मेशन है, बिकॉज डीप अंडरग्राउंड तो वो सामने वाला जगह में भी थोड़ा सा प्रेशर होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर उधर नीचे सरफेस से थोड़ा ज्यादा है, तो इसका कूलिंग बहुत धीरे से होगा, जो मैग्मा का जो इन इसे बोलेगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलेगा, तो इंट्रूसिव है तो अंदर से है, तो अंदर से है तो इसका कूलिंग बहुत स्लो होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट द मैग्मा गेट लार्ज क्रिस्टल्स। वो रॉक सोलिफाई होने से ये तो बनेगा बड़ा क्रिस्टल्स, दैट इज कॉल्ड फेनरिटिक टेक्सचर। देन एफिनिटिक टेक्सचर, सेकंड वन इज एफिनिटिक टेक्सचर, इसमें हो क्या होगा, उससे छोटा क्रिस्टल साइज होगा, तो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय द आईज, क्रिस्टल्स है लेकिन आंख से देख नहीं पाएगा, एंड द क्रिस्टल साइज इज लेस देन 0.5 mm, वो 0.5 mm मिलीमीटर से कम होगा इसका ग्रेन साइज, एंड फॉर्मड बाय रैपिड कूलिंग, तो रैपिड कूलिंग होने से दिस विल बी एक्सप्लोसिव होगा, बाहर जो सरफेस में जो हो उसी एरिया में इसका कूलिंग होगा, तो दैट इज कॉल्ड एफिनिटिक टेक्सचर। स्मॉल साइज इवन नॉट पॉसिबल टू सी विथ आवर आइज, वो टेक्सचर वो क्रिस्टल का साइज को नहीं देख पाएगा, एंड द साइज इज लेस देन 0.5 mm। देन पोरफायरिटिक टेक्सचर, पोरफायरिटिक टेक्सचर है, तो इसमें क्या होगा, कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट टू मिनरल्स हैविंग ए डिफरेंस इन ग्रेन साइज, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक फेनरेटिक होगा दूसरा एफिनिटिक होगा, तो दोनों इस एक ही इग्नियस रॉक में आ जाएगा, इस कंसिस्ट ऑफ टू मिनरल्स, एक तो बड़ा ग्रेन साइज का होगा दूसरा छोटा ग्रेन साइज का, द लार्जर ग्रेन्स आर टर्म्ड एज फिनोक्रिस्ट और फेनोक्रिस्ट बोलेगा, एंड इट इज फॉर्म्ड एट डेप्थ एंड द फाइनल ग्रेन्स इधर मिक्स और इसे बोलेगा ग्राउंड मास दैट इज फॉर्म्ड नियर सरफेस, तो टू स्टेजेस ऑफ कूलिंग इसका होगा, एक सडन कूलिंग होगा नीचे से जो, फिर ये तो बाद में ये तो ऊपर आते समय वो उसका तो सडन कूलिंग होगा, नीचे से होने से धीरे से कूल होगा और ऊपर आने से और जल्दी क्यों ये तो कूल हो जाएगा, तो दो तरीके तरह का क्रिस्टल बन जाएगा, एक तो फाइन होगा एक तो लार्ज होगा एक तो स्मॉल होगा, दैट इज कॉल्ड पोरफायरिटिक टेक्सचर। इफ यू लुक हियर फेरेटिक में इसमें से आप देखने से यू कैन सी लॉट ऑफ क्रिस्टल, अभी
ये फ्लैश टाइप का भी आपको बड़ा बड़ा ये देख सकता है, ये क्वार्ट्ज है, ये फेल्सपार है, ये ऐसा फ्लैश का लगता है ना, ये सब ऐसा ऐसा टेक्सचर यू कैन सी। बट इन एफिनेटिक टेक्सचर में यू कैन सी द क्रिस्टल, वो क्रिस्टल आपको देख नहीं पाएगा, पूरा फाइन है, उतना छोटा छोटा है, इसमें यू कैन सी द क्रिस्टल्स तो देख नहीं पाएगा, दैट इज बासाल्ट, दिस इज एक्चुअली ग्रेनाइट इफ यू लुक हियर। देन पोरफायरिटिक टेक्सचर में ऐसा है, वो बीच में देखो कुछ क्लेई जैसा, उतना छोटा स्मॉल साइज का ग्रेन क्रिस्टल्स है, लेकिन यहाँ बीच में बड़ा बड़ा क्रिस्टल भी यू कैन सी हियर। तो दैट काइंड ऑफ टेक्सचर वी विल से इट अ पोरफायरिटिक टेक्सचर। देन कम्स द ग्लासी टेक्सचर, तो इट विल हैव ए ग्लेसिंग होगा, इसके देखने से जैसे ग्लासी चीज को देखने जैसा इसको लगेगा। द रॉक कंटेन्स नो मिनरल ग्रेन्स, नॉन क्रिस्टलाइन ड्यू टू सर्टेन कूल, बहुत जल्दी क्यूक इसका तो कूल हो जाएगा। व्हेन मैग्मा और लावा कम्स इनटू क्यूक कॉन्टैक्ट विथ मच कूलर मटीरियल नियर द सर्फस, ये कैसे होगा, अभी वो जो बाहर आ गया है तो उधर एक नदी जा रहा था, तो नदी में ये क्रिस्टल आ गया, तो क्या होगा, जल्दी एक कूल मटेरियल से इसका इंट्रैक्शन हो गया, नहीं ये तो कुछ ग्लेशियल में आ गया, आइस शीट में आ गया, तो क्या होगा, जल्दी इसका इंट्रैक्शन एक कूल जगह पे, तो एटमॉस्फेयर भी कूल होगा, वो मटेरियल भी बहुत कूल होगा, तो ये क्विकली ये तो क्रिस्टल बन जाएगा, तो हार्ड हो जाएगा, सो देयर विल बी ए ग्लासी टेक्सचर। इफ यू लुक हियर यू कैन सी the glazing here, you can see it, this is glassy texture. Then the vesicular texture, so vesicles or means isme aisa hai, vesicles are result of gas expansion, isme gas expansion hoga, bubbles jaisa ek to gas expand hoga, jaise hamara sponge hai na, thoda sponge jaisa usme se कुछ निकालने से जैसे एक छोटा छोटा गैप्स होता है ना, आइसे वाला टेक्सचर होगा इसका, तो विच ऑकर्स ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन है, वो वेसिकल्स का अलग है, दैट इज कैविटीज, तो डिफरेंट मल्टीपल कैविटीज होगा इसके अंदर, एग्जाम्पल प्यूमाइस एंड स्कोरिया, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर यू कैन सी लॉट ऑफ कैविटीज, यहाँ एक कैविटी है, यहाँ एक कैविटी है, ऐसा बहुत कैविटीज देख सकता है, तो ऐसे वाला चीज को वी विल से इट अ वेसिकुलर टेक्सचर, वो यूजुअली हैपेंस अभी वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम में, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये बबल आकर तोड़ेगा, ऐसा साउंड आता है, बुलबुलबुल ऐसा साउंड आता है ना, कुछ अभी पानी बॉइल होने से भी बहुत कुछ बबल्स आता है ना, ऐसा बबल्स जब वॉल्केनो इरप्ट होगा बाहर आएगा उसी टाइम में भी ऐसा आएगा, तो रॉक का शेप अलग टेक्सचर में आएगा, इसके अंदर बहुत कुछ कैविटीज बन जाएगा, गैप्स बन जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड वेसिकुलर टेक्सचर। देन लास्ट वन फ्रैगमेंटल टेक्सचर, एक्चुअली दिस इज नॉट अ टेक्सचर, वो चीज है ना, वो जब वॉल्केनिक इरप्ट होगा एक्सप्लोड होगा वो ऊपर आई से ऊपर आ जाएगा, जो मटेरियल को कलेक्ट करके वी विल यूजुअली सी इट अ पायरोक्लास्टिक मटेरियल, द मटेरियल्स विच इज कमिंग आउट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इज कॉल्ड पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, उसमें होगा पायरोक्लास्टिक मटेरियल, अभी वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, ऐसा बहुत चीज है, ये सब पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स है, तो ऐसा वाला मटेरियल को इन कॉमन वी विल से इट अस फ्रैगमेंटल टेक्सचर, ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन रॉक पीसेस आर थ्रोन आउट ऑफ वॉल्केनिक वेंट एंड दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज फ्रैगमेंटल रॉक्स, ऐसा रॉक्स को ऐसे ही बोलेगा, तो मेनली फाइव है, इसके साथ यू कैन ऐड दिस फ्रैगमेंटल टेक्सचर ऑल्सो, सो बेस्ड ऑन टेक्सचर वी कैन डिवाइड द इग्नियस रॉक इंटू सिक्स, वन इज फेनरेटिक, सेकेंड वन इज एफिनिटिक, third one is porphyritic, then glassy, then vesicular, and the final one is fragmental texture. Then mode of occurrence,
ये कहां पे देख सकता है. बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिवाइड द इग्नियस रॉक इनटू मेनली इनटू टू ग्रुप्स. वन इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड सेकंड वन इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. इंट्रूशन मींस कुछ जगह से ऐसे एक एरिया है तो इंट्रूड, कुछ जगह पे इंट्रूड हो रहा है. तो ये नीचे अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में इंट्रूड होकर ये तो आ रहा है. सो दिस एरिया विच इज इनसाइड इनसाइड बिटवीन द क्रस्टल पार्ट, वही एरिया में इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक वी विल से इट अस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इन. जस्ट थिंक दैट इन मीन्स inside. So intrusive igneous rock. Igneous rock rising magma do not reach the surface and get cooled and solidify much below. So rising magma hai, do not reach the surface hai and get cooled hoga and solidify hoga. So that will become intrusive igneous rock. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को और दो तरीके से डिवाइड किया है. वन इज प्लूटोनिक रॉक. एक्चुअली यूजुअली व्हेन वी से इंट्रूसिव इग्नियस रॉक वी विल से इट अस प्लूटोनिक रॉक एंड सेकंड वन इज हाइपरबेसल रॉक्स. हाइपरबेसल रॉक बोलेगा इसे. वन इज प्लूटोनिक रॉक. प्लूटोनिक रॉक कूलिंग ऑफ मैग्मा एट वेरी डीप इनसाइड द अर्थ. अभी जो एक वेंट होगा वोल्केनिक वेंट, सोचो वो वोल्केनिक इरप्शन होगा तो इसका एक वेंट होगा वो डीप बहुत नीचे वो एरिया में. इफ इट इज सोलिफाई द रॉक इज सोलिफाई मैग्मा कूल होगा उधर सोलिफाई होने से वी विल से इट अस प्लूटोनिक रॉक. अभी cooling of magma at very deep. ये याद रखना है. That is plutonic rock. Then hyperbasal rocks ऐसा है. Cooling and solidification of magma in cracks and pores or faults. Different fractures है ना. वो fractures से वो बाहर आएगा. Just beneath the earth surface. वो ऊपर just अभी earth surface है. इसके सामने जो भी हो, वो usually we will say it as hyperbasal rocks. तो जो नीचे है, सबसे नीचे है, वो उसी रीजन में वी विल से इट अस प्लूटोनिक रॉक. आई विल शो यू. इफ यू लुक हियर प्लूटोनिक रॉक का एग्जांपल्स होगा ग्रैनाइट एंड हाइपरबेसल का होगा. अभी सब ऐसा है, सब ग्रैनाइट ही है लेकिन बेस्ड ऑन द एरिया वी कैन डिवेट. तो इसमें बैथोलिस लैकोलिस ये सब हार्ड रॉक होगा. सब सेम कैरेक्टर जैसे ग्रैनाइट रॉक का जैसा कैरेक्टरिस्टिक इसका भी होगा लेकिन बेस्ड ऑन द प्लेस वी कैन डिवाइड. अभी बैथोलिथ बोलने से ये तो सरफस, यहाँ सरफस है तो सरफस के नीचे यहाँ, तो ये दिस इज एक्चुअली बैथोलिथ. अभी सेम जस्ट लाइक बैथोलिथ इफ यू लुक हियर देयर विल बी कनेक्शन और वेरी नियर टू सरफस आई विल से इट अस लैकोलिथ. ये सब हम पढ़ा है जब लैंडफॉर्म के बारे में वॉल्केनिक लैंडफॉर्म पढ़ा है उसी टाइम वी हैव डिस्कस दिस. एंड वो स्ट्रेट ऐसे वर्टिकल पाइप लाइक स्ट्रक्चर को वी विल से इट अस डाइक एंड हॉरिजॉन्टल सेम हॉरिजॉन्टल शीट को वी विल से इट अस सिल और शीट. थिन है तो शीट बोलेगा, थिक है तो वी विल से सिल. तो ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है. देन फाइनली द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. एक्सट्रूसिव मीन्स जो बाहर आएगा, सरफस के बाहर आएगा, that we will say it as extrusive igneous rock. The igneous rock formed due to cooling and solidification of lava at earth surface. Earth surface mein jab magma aur lava cool ho jayega use we will say it as extrusive igneous rock. To yah kaise hoga, comes through fissures ho nahi to volcanic vent se jo bahar aayega, then we will say igneous. To ye do tarike se hai. One is explosive type, explode होगा. अभी this is volcano, उसका vent होगा तो vent से तो explode होकर ऊपर आ जाएगा. That is explosive type. तो उसी type में
तो पायरोक्लास्टिक मेटीरियल जब हम बोल दिया ना, ऐसा मेटीरियल्स बाहर आ जाएगा एंड वो सोलिफाई होकर रॉक बन जाएगा, देन वी विल से इट एज एक्सप्लोसिव टाइप। तो इसमें क्या है, वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शन चाहिए, तो पायरोक्लास्ट ये तो बाहर आकर सोलिफाई होकर रॉक बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल्स है वॉल्केनिक बॉम्ब्स, वो बिगर साइज का है। देन लैपिलिस, ये नाम याद रखना है, ये पूछ सकता है लैपिलिस। तो लैपिली इज अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय दैट इज वॉल्केनोस, वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम में जो लैंडफॉर्म बनाता है दैट इज लैपिली, ये नाम जरूर याद रखना है। फ्रैगमेंट्स ऑफ साइज, वो छोटा छोटा पीस है ना, वो उसके साइज का जो फ्रैगमेंट्स है यू से यू विल से इट एज लैपिलिस। देन वॉल्केनिक डस्ट एंड वॉल्केनिक एशेस, दीज आर दी एक्सप्लोसिव रिजल्ट। बट वॉल्केनिक बॉम्ब्स ऐसा बड़ा वाला रॉक मासस आएगा, बड़ा बड़ा रॉक मासस आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्स वॉल्केनिक बॉम्ब्स। एंड फाइनली क्वाइट टाइप, वो साइलेंट टाइप का है, वो फिशेस से, वो फिशेस बन जाएगा, उसी गैप से वो आएगा, तो ऊपर नहीं जाएगा, वो लावा फ्लो के टाइम में लावा फ्लोस कम्स थ्रू मिरर माइनर क्रैक्स और फिशेस में आएगा एंड इट्स कम्स डायरेक्टली टू द सर्फस। अभी डक्का डकन ट्रैप्स हमको, हम लोगों को पता है वो क्या है, ऐसा फिशेस से मैग्मा बाहर आ गया है एंड वो सोलिफाइड टू बिकम रॉक बन गया है। तो दैट इज एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। मेन एक्सट्रूसिव रॉक है बासाल्ट एंड जो इंट्रूसिव है ग्रेनाइट, ये याद रखना है। ओके, दैट इज अबाउट द इंट्रूसिव, दैट इज अबाउट इग्नियस रॉक। कल वी कैन डिस्कस सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, वो एक साथ कंप्लीट करेगा। तो कल तक हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म होगा। इस एरिया में कुछ डाउट है? नो सर। सर हाँ, वो पंकज सर को ना ये सब बोले ना कि ये जो अभी आप ये पीडीएफ को ना, ये वीडियो को ना शेयर करने के लिए, ठीक है हम बोलेगा, लेकिन वो सर का डिसीजन है। हम तो, मेरे पास ये पीपीटी होगा, वो तो हम, ये तो हम सेव एन करने से ना डायरेक्ट सर के पास ही जाएगा, सर को हम मैसेज देगा देने के लिए। ओके जी, मतलब कुछ कुछ जो छूट गया है, ओके, एक ओके। दो, जैसे वो लैंड फॉर्म थ्री टाइम लैंड ज्योमॉर्फिक प्रोसेस जो तीन क्लास किए थे ना, हम चार क्लास जी चार क्लास उसमें एक क्लास दिए है, तो डेट 6 and 9, 6 or 7, 5 and 6 जो क्लासेस किया था वो नहीं भेजा है। ठीक है, हम बोल देगा सर से। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।